नमस्कार, पंजाब एंड सिंध बैंक की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। अगर आप पैसा निकलवाने के लिए अपने बैंक में पहुंचे हैं तो आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। आप ये देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते किस तरीके से जो बैंक प्रबंधक है उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को कुर्सी में बिठाया जा रहा है, टेंट यहाँ पर लगाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि धूप से भी कहीं ना कहीं बचाव जो है वो अवश्य किया जा रहा है। और तमाम जो लोग हैं जो कैश निकलवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बैंक प्रबंधकों की तरफ से बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। जहाँ पूरे ज़िले भर में कुछ ही दिनों बाद पेंशन आने वाली है, बुज़ुर्गों के लिए एक सहूलियत अवश्य है। लोगों के हमारे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, वो यही पूछते हैं कि अगर बैंक में जाते हैं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, भीड़ देखने मिलती है। लेकिन अब ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हरियाणा के करनाल से। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार किया जा रहा है। शायद ही आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप ये देख सकते हैं कि हर एक का चेहरा ढका हुआ है, भले ही किसी ने रुमाल लगाया है, भले ही किसी ने मास्क लगाया है। तो ये बहुत अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आए, कैसी ये सुविधा लगी आपको? बहुत अच्छी सुविधा है जी। जी हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं प्रेमनगर से। क्या लेने आए हैं यहाँ बैंक? ये पैसे जमा करवाने आए हैं। पैसे जमा करवाने हैं तो पेंशन आने वाली है? नहीं नहीं नहीं, वैसे पेंशन आने वाली है? नहीं, पेंशन नहीं आती। पेंशन नहीं आएगी अभी? तो जब पेंशन लेने के लिए आएंगे तब भी सुविधा ऐसी दिखेगी? हमारे पास पेंशन इसमें यहाँ नहीं आती, स्टेट बैंक से लेते हैं हम। दूसरे बैंक से आती? हाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना पैसा जब निकलवाने के लिए आते हैं तो इस प्रकार की जो सुविधा लोगों को दी जाती है तो बहुत ही अच्छा एक संदेश सामने आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या करने के लिए आए? मैं ये कुछ FDR का काम था, उसके लिए आया था। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के बराबर काम हो रहा है। तो पेंशन के लिए तो दूसरा बैंक है जी हमारा, तो दूसरा बैंक है। हाँ जी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोगों को बहुत ही अच्छी सर्विस जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। बैंक प्रबंधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, बहुत ही अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, अपनी कोशिश है कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और सारे रूल्स का भी फॉलो हो जाए जी। और इस बीमारी में सबको समझाया भी जा रहा है कि जिसके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, ज़रूरत है तो तभी निकालें, नहीं तो पैसे वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गई है कि पैसे नहीं निकालेंगे तो वापस चले जाएंगे, तो ऐसे सरकार के भी कोई आदेश नहीं है। और सारे स्टाफ मेंबर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का भी पूरा सपोर्ट है हमें, कोई दिक्कत 1% भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा है, आइडिया पहली बार हमने देखा है, तो ये बैंक प्रबंधक की तरफ से ये आइडिया है या बैंक वालों की तरफ से आइडिया जा रही है? सर, सबका मिला जुला ही आइडिया है, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो हमें भी लगता है कि भी किसी को दिक्कत ना हो, और उसी के लिए जिस सेवा के लिए बैठे हैं वही सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर पैसा निकलवाने के लिए? हमारी एवरेज 150-200 पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ बुजुर्ग लोग भी काफी आते हैं? बुजुर्ग ही ज्यादा आते हैं काफी, वही सारे स्टाफ वगैरह भी यही समझाते हैं कि जरूरत है तो जरूर आओ, नहीं है तो घर में बैठो, सरकार का भी सहयोग हो और अपना भी ख्याल रखें। और अन्य बैंक प्रबंधकों से या और अन्य जितने भी बैंक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या देखते हैं कि काफी भीड़ लगी रहती है, खासतौर से वो बुजुर्ग जो धूप में खड़े रहते हैं, सोशल डिस्टेंस? सर, मेरा तो यही रहेगा कि अपना भी ख्याल रखें और लोगों का जितना रख सकते हैं उतना रख पाएं, क्योंकि फैमिली तो सबकी है, बैंकर्स की भी है, लोगों की भी है, तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी ये सिचुएशन से निकल पाएंगे। क्या नाम है जी आपका? आंचल। आप ये देख सकते हैं बैंक प्रबंधक हैं, आंचल इनका नाम है। और एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है करनाल के प्रेमनगर से। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस आपको बनाकर रखना है और कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता अवश्य आ रही है। और बधाई के पात्र है पंजाब एंड सिंध बैंक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अवश्य बधाई के पात्र है। क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगा कि कुर्सियाँ तो यहाँ पर लगवाई ही हुई हैं, साथ ही साथ यहाँ पर टेंट भी लगवाया हुआ है, ताकि कोई भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें हमने आपको हरियाणा के करनाल से दिखाई है, पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।